स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल we आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्क फैमिली बैलेंस जब हम माशरे के अंदर मौजूद मैरिज uh, ट्रेंड्स और पैटर्नस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि रीसेंट पास के अंदर ख़ास तौर पर अर्बन एरियाज़ के अंदर जो मैरिज पैटर्नस एक तो तब्दील हुए हैं काफ़ी हद तक और दूसरा इसके असरा जो हैं वो फैमिलियल स्ट्रक्चर के ऊपर भी uh, मुरतब हुए हैं खास तौर पे वो कपल्स जो दोनों प्रोफेशनल होते हैं दोनों वर्किंग कपल्स होते हैं उनके अंदर जो वर्क और उनकी फैमिली लाइफ है उसको बैलेंस करना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है तो इस मोड्यूल के अंदर हम देखेंगे कि वो किन किस तरह के चैलेंजेस हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है और वो इन चैलेंजेस से कैसे नंबरदाजमा होते हैं आप मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनके जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको भी देखें उसको भी ऑब्जर्व करें और एज़ अ सोशल साइंटिस्ट ये देखें कि किस तरह से उसका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो उनके बच्चों की सोशलाइजेशन के ऊपर हो रहा है सो मैनी फैमिलीज़ इन पाकिस्तान पर्टिकुलरली दो इन अर्बन एरियाज़ दे फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ And in some cases, both parents may need to work longer hours or multiple jobs in order to provide for their families, which can make it difficult to spend time with their children or to participate in other familial activities. So, in a nutshell, uh, these relationships are predominantly affecting their familial uh, relationships and patterns of socialization. क्योंकि जब दोनों पेरेंट्स जो हैं वर्किंग पेरेंट्स होंगे तो ऑबियसली दे वुड फाइंड लेस एंड लेस टाइम फॉर फेमिलियल एक्टिविटीज़ फॉर कलेक्टिव एक्टिविटीज़ एंड पर्टिकुलरली जो बच्चों की सोशलाइजेशन या तरबियत है वो बहुत हद तक सफ़र करेगी इंटरेस्टिंगली जो वर्क लाइफ बैलेंस है वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर वो काफ़ी हद तक मेनटेंड है क्योंकि वहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इस तरह की है गवर्नमेंट uh, की तरफ से जो है ऐसे इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं जो बच्चों के टेक केयर के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं जो थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशनस हैं वो इस बात की ज़िम्मेदारी लेते हैं कि अगर पेरेंट्स जो हैं सोशलाइजेशन के लिए मौजूद नहीं हैं तो वो थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन उसमें अपना रोल प्ले करते हैं लेकिन पाकिस्तान जैसे के अंदर अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशलाइजेशन इस हद तक डेवलप नहीं हुई है जितनी तेज़ी से ये ट्रेंड जो है वो हमारे यहाँ पैदा हो रहा है कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं और उसके बाद जो बच्चों की जिम्मेदारी होती है वो या तो एक्सटेंडेड फैमिली के रिलेशनशिप्स के अंदर उनको रिलाई करना पड़ता है या फिर उनको जो प्राइवेट डे केयर सेंटर्स होते हैं उनके ऊपर रिलाई करना पड़ता है अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग पहलू जो है वो देखने के लिए, की, आ, या ऑब्ज़र्व करने का वो ये है कि कैसे बच्चों की तरबियत के ऊपर ये जो आ, फ, आ, फैमिलियल और वर्क लाइफ बैलेंस है ये बच्चों की तरबियत पे किस तरह से अफेक्ट कर रहा है दो पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर बड़ी वाजे होती हैं एक तो ये कि बच्चों को जो है वो सफिशेंट टाइम चूँकि नहीं दे पाते पेरेंट्स इस वजह से उनकी तरबियत के जो अल्टरनेटिव सोसेस हैं वो बच्चों के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पैदा कर सकते हैं मिसाल के तौर पे अगर बच्चे को जो है आ, मीडिया से या जैसे बच्चे को मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसके भी जो हैं बड़े डवेस्टेटिंग इफ़ेक्ट उसके कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर मुरतब होते हैं इसके साथ साथ उसकी जो सोशलाइजेशन है ख़ास तौर पे जो डिफरेंट सोशल स्किल्स हैं उनके ऊपर भी मुरतब होते हैं और दूसरी चीज़ जो है वो चूँकि प्राइवेट डे केयर सेंटर्स होते हैं जिसमें अनट्रेंड स्टाफ होता है और उनकी सोशलाइजेशन के पैटर्न्स जो हैं वो बहुत हद तक नोवाइस होते हैं और इस तरह के सोशलाइजिंग पैटर्न्स के अंदर जिसमें प्रोफेशनलाइजेशन नहीं होती है तो एक डेवस्टेटिंग इफेक्ट बच्चों के ऊपर ये होता है कि बच्चों के बिहेवियर के अंदर जो डेवियंसी है या लैकेडेक्सिकल like एटीट्यूड है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है तो बहुत अहम है कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की पॉलिसीज़ मुरतब की जाएँ और ये देखा जाए कि चूँकि अर्बन आ, लिविंग के अंदर दोनों पेरेंट्स जो हैं अब वर्किंग पेरेंट्स बनते जा रहे हैं तो बच्चों की तरबियत के लिए और ख़ास तौर पे उनकी केयर और वेलबीन के लिए जो हैं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हों जो इस तरह की ज़िम्मेदारी ले सकें